देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ सिर की है, प्रमोद जी ने, जो कि प्रतापगढ़ यूपी के रहने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं प्रमोद जी की भेजी गई कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्द मिल जाए। साल 1971, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। ये वो साल, या यूं कहें तो वो दौर था, जब लोगों के पास ना ही कोई स्मार्टफोन हुआ करता था और ना ही टाइम पास करने के लिए टेलीविज़न। उन दिनों मेरे नाना जी भी वहीं गांव में ही रहा करते थे। उस वक्त या दौर में गांव में काफ़ी कम लोग नौकरी किया करते थे, बाकी ज़्यादातर लोग खेती करके ही अपना पेट पालते थे, जिनमें से एक मेरे नाना जी भी थे। दरअसल घटना कुछ ऐसी है कि उन दिनों सर्दियों का मौसम था, जिस वजह से आग जलाने के लिए नाना जी को लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती थी। पर दिक्कत की बात तो यह थी कि गांव के सारे लोग एक ही जंगल से लकड़ियां लेते थे, जिस वजह से जंगल की लकड़ियां लगभग खत्म हो चली थी, और साथ ही साथ नाना जी के घर में भी। कि तभी नाना जी को याद आया कि हमारे गांव के नदी के उस पार एक जंगल है, मगर परेशानी की बात तो यह थी कि वो एक प्राइवेट जंगल था, जिस वजह से उस जंगल की लकड़ियों को तोड़ना मना था। जिसका नाना जी ने ये उपाय लगाया कि रात को उस जंगल में काफ़ी कम गार्ड रहते हैं, जिस वजह से वो आज रात को ही उस जंगल में जाएंगे लकड़ी लाने। हालांकि ये काम पूरी तरह से गैरकानूनी था और पकड़े जाने पर सजा भी मिल सकती थी, पर मजबूरन नाना जी को ये करना ही पड़ा। रात के लगभग 11:30-12 बजे के आसपास नाना जी घर से उस प्राइवेट जंगल के लिए रवाना हो गए। तकरीबन 15 मिनट चलने के बाद नाना जी गांव के उस पुलिया के पास पहुंचे, जहां से वो जंगल थोड़ी ही दूर पर था। लिहाजा नाना जी पुलिया पर थोड़ा रुककर जंगल की तरफ चल दिए। जंगल में दाखिल होते वक्त नाना जी ने नोटिस किया कि वहां आसपास एक भी गार्ड या कोई पहरेदार नहीं है। नाना जी उस जंगल में आ तो गए थे, पर मन ही मन उन्हें डर था कि कहीं कोई गार्ड उन्हें देख ना ले। लिहाजन नाना जी फटाफट अपनी कटारी से लकड़ी काटने लगे। नाना जी अभी लकड़ी काट ही रहे थे कि तभी उन्हें उनसे कुछ दूरी पर खड़ा एक पेड़ हिलता हुआ दिखा। पर हैरानी की बात तो यह थी कि ना ही उस वक्त वहाँ हवा चल रही थी और ना ही वहाँ नाना जी के सिवाय कोई मौजूद था। नाना जी उस पेड़ के नीचे पहुँचे यह देखने कि आखिर ये पेड़ हिल क्यों रहा है। नाना जी अभी उस पेड़ के नीचे गए ही थे कि तभी उनके कंधे पर कुछ टपका। नाना जी ने अपना कंधा देखा तो पाया कि खून की कुछ बूंदें उनके कंधे पर टपक रही हैं, जिसे देखकर नाना जी हैरान रह गए। हैरानी भरी नज़रों से नाना जी ने पेड़ के ऊपर देखा तो पाया कि एक औरत पेड़ के ऊपर बैठी है, और वह खून किसी जंगली जानवर का नहीं बल्कि एक आदमी का है, जिसे फाड़कर वो औरत खा रही थी। उस औरत की शक्ल इतनी भयानक थी कि डर से नाना जी बदहवास से हो गए थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या बला है, पर वो औरत खाने में इतनी व्यस्त थी कि उसने नाना जी की तरफ देखा भी नहीं। इसी का फायदा उठाकर नाना जी वहां से भाग निकले। अगली सुबह नाना जी को पता चला कि वो औरत कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी, और वो कई दिनों से उसी जंगल में रह रही है। उसने वहां के कई गार्ड्स को अपना शिकार बनाया है, जिस वजह से वहां जितने भी गार्ड थे सब ने नौकरी छोड़ दी
और अब वो जंगल बिकने की कागार पर है। तो दोस्तों, ये थी प्रमोद जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें, और देखते रहें डार्क फाइल्स।